गाइस, दिस इज़ वैभव अग्रवाल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं दैट इज़ इट वर्थ टू ज्वाइन वर्तुसा और नॉट। तो वर्तुसा के बारे में अपन यहाँ फ्रेंड्स अपन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ देखने वाले हैं, जैसे कि इंडीड हो गया, एम्बिशन बॉक्स हो गया, ग्लास डोर हो गया, और अपन हर एक चीज़ में यहाँ पर रिव्यूज़ अपन देखेंगे। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर रिव्यूज़ देखेंगे, लाइक मैनेजमेंट में यहाँ पर कंपनी कैसी है, पे एंड बेनिफिट्स में कैसी है, कल्चर में कैसी है, ग्रोथ में कैसी है, जॉब सिक्योरिटी में कैसी है, और भी जो अदर कैटेगरीज हैं वो अपन हर चीज़ यहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अपन यहाँ पर आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा वर्तुसा के बारे में अपन थोड़े से यहाँ पर डिटेल ले लेते हैं कि एक प्राइवेट एक कंपनी अपन को वैसे पता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टाइप की इंडस्ट्री है। फाउंडेड की बात करें तो 1996 और 26 साल इस कंपनी को हो गए। श्रीलंका की, श्रीलंका में ये फाउंड हुई थी, फाउंडर के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। हेडक्वार्टर लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है, वो आप देख सकते हैं। और कहाँ कहाँ ये सर्व करती है, वर्ल्ड वाइड में सर्व करती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी सर्विसेज लिखी हुई है कि कंसल्टेंट में ज़्यादा ये काम करती है, मतलब मोनली वर्तुसा कंसल्टिंग एक कंपनी मानी जाती है मेरे ख्याल से। और रेवेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू है मेरे ख्याल से यहाँ पर। और नेट इनकम, टोटल एसेट, ये सब आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ की बात करें तो 2021 के हिसाब से 30,000 एम्प्लॉइज है। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडीड के ऊपर अपन ओवरऑल रेटिंग देख लेते हैं। तो ओवरऑल रेटिंग यहाँ पर अपन इंडीड को देखने मिल रही है 3.7। और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ की अपन बात करेंगे तो अराउंड 900 रिव्यूज़ हैं अपन देखेंगे। अगर 892 हैं तो अपन 900 इसको मान लेते हैं। तो ओवरऑल रिव्यूज़ अगर अपन बात करें तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के अगर ओवरऑल रिव्यूज़ या पर्टिकुलर कैटेगरी में 3.5 या 3.5 से ऊपर हैं देन इट्स गुड कंपनी टू वर्क विद अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 से 20 वीडियोज़ डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर बना चुका हूँ। तो उससे जो ट्रेंड मुझे मिला है और जो मैंने थोड़ी सी और इधर उधर से रिव्यूज़ देखे हैं, पता कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे पता चला है कि मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर तो किसी कंपनी की रेटिंग अगर 3.5 है कैटेगरीज वाइज या फिर ओवरऑल देन इट्स गुड कंपनी टू वर्क विद। वर्क लाइफ बैलेंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, 3.6 है, इट्स गुड। पे एंड बेनिफिट्स में यहाँ पर अपन को थोड़ा सा इशू लग रहा है इंडीड के ऊपर, लेकिन अपन और भी अपन आगे देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे एम्बिशन बॉक्स के ऊपर क्या रिव्यूज़ हैं, अपन देखेंगे ग्लास डोर के ऊपर क्या रिव्यूज़। देन फाइनली एट द एंड मैंने एक लास्ट स्लाइड बनाई हुई है जिसमें आप देखेंगे कि मैंने तीनों प्लेटफॉर्म से कंसोलिडेट करके एक फाइनल स्लाइड बनाई हुई है। उसमें कैटेगरीज वाइज मैंने फाइनल रिव्यूज़ लिखे हुए हैं कि हर एक कैटेगरी में कंपनी कैसी है, तो वहाँ से आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा ओवरऑल। तो क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से अपन डिपेंड नहीं कर सकते कि यार वर्तुसा कैसी कंपनी है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, क्योंकि इंडीड के ऊपर अपन देखेंगे, एम्बिशन बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो रिव्यूज़ कम होते हैं, लेकिन ग्लास डोर के ऊपर लोग ज़्यादातर रिव्यूज़ डालते हैं। तो इसलिए मैंने तीनों प्लेटफॉर्म के यहाँ पर रिव्यूज़ लिए ताकि थोड़ा किसी को कोई डाउट ना हो कि यार यार तुमने ग्लास डोर बस से ले लिया। तो और फाइनली लास्ट मैंने उनको कंसोलिडेट किया है। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। जॉब सिक्योरिटी में 3.5 है देन इट्स गुड। मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा इशू लग रहा है, कल्चर इज़ अगेन गुड। तो यहाँ पर इंडीड के रिव्यूज़ देखकर अपन को लग रहा है कि यार पे एंड बेनिफिट्स इन मैनेजमेंट में थोड़ा सा इशू है, और बाकी ओवरऑल भी अगर अपन देखें अदर कैटेगरी में ठीक रिव्यूज़ हैं, इतने कुछ हाई फाई रिव्यूज़ नहीं है जैसे अपन ने कोफोर्स वगैरह के अपन रिव्यूज़ देखे थे, हैजडन के रिव्यूज़ देखे थे तो बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, खैर ठीक है, अपन आगे चलते हैं एम्बिशन बॉक्स के ऊपर। तो एम्बिशन बॉक्स के ऊपर भी अगर अपन देखेंगे तो ओवरऑल रेटिंग कितनी है फ्रेंड्स, 3.7 है। नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर है 1600, वहाँ पर कितने थे फ्रेंड्स 900 रिव्यूज़ थे, यहाँ पर है 1600। कैटेगरीज वाइज यहाँ पर अपन रेटिंग की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट 3.7 गुड, जॉब सिक्योरिटी 3.7 वेरी गुड, वर्क लाइफ बैलेंस 3.6, कंपनी कल्चर 3.5, वर्क सेटिस्फैक्शन, करियर ग्रोथ, सैलरी एंड बेनिफिट्स। तो अपन ने देखा गया सैलरी एंड बेनिफिट्स में तो दोनों जगह पे यहाँ पर इशू अपन को समझ में आ रहा है, एम्बिशन बॉक्स एंड इंडीड के ऊपर। तो एक ओवरऑल यहाँ से अपन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर से अगर अपन एक कहीं पर अपन पहुँचना चाहते तो अपन को समझ में आ रहा है कि यार वर्क सेटिस्फैक्शन, करियर ग्रोथ वगैरह यहाँ पर थोड़ा सा कम है और पे एंड बेनिफिट्स भी यहाँ पर कम है। खैर अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर ग्लास डोर के ऊपर अपन रिव्यूज़ देख लेते हैं। ग्लास डोर के ऊपर है ओवरऑल रेटिंग अपन देखेंगे फ्रेंड्स तो ओवरऑल रेटिंग है 3.6, कल्चर एंड वैल्यूज में 3.5 गुड, डाइवर्सिटी इंक्लूजन 3.6 अगेन गुड, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इशू है यहाँ पर वर्क कल्चर में, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में अपन कह सकते हैं। मैनेजमेंट में भी इशू है, मैनेजमेंट अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडीड के ऊपर भी 3.3 रेटिंग थी मैनेजमेंट में। कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स अगेन इशू, बिग इशू मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, मतलब बिग इशू तो नहीं कहेंगे लेकिन अदर कैटेगरी से अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो पे एंड बेनिफिट्स में एंड मैनेजमेंट में थोड़ा यहाँ पर लैक करती है वर्तुसा। करियर अपॉर्चुनिटीज अगेन इट्स वेरी गुड 3.7, लेकिन मैं अगर आप अदर कंपनी से अगर आप कंपैरिजन करते हो वर्तुसा के तो फिर आप थोड़ा सा रिव्यूज़ देख लीजिए और थोड़ा सा फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा सा आप डिसाइड करिए कि आपको वर्तुसा में जाना है या फिर अदर कंपनीज में आपको जाना है, लेकिन वर्तुसा मेरे ख्याल से अच्छी कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन तो फ्रेंड्स अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर ग्लास डोर के ऊपर अपन देखेंगे तो करीब करीब 6000 यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर रिव्यू किया हुआ है, 3.6 ओवरऑल रेटिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिकमेंडेड टू अ फ्रेंड 71% रिव्यूज़ हैं
और जो रिव्यूज़ हैं अप्रूव ऑफ सीओ 88%, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर प्रोस क्या मार्क कर रखे हैं, कौन से क्या मार्क कर रखे हैं। यहाँ पर ग्लास डोर की अपन यहाँ पर बात करते हैं, प्रोस की बात करेंगे तो कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है लोगों के हिसाब से, वेरी गुड, गुड वर्क एनवायरनमेंट। तो मतलब कल्चर वगैरह यहाँ पर अच्छा है, कल्चर वगैरह में आपको कोई इशू यहाँ पर होने वाला नहीं है वर्क कल्चर वगैरह। मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से यहाँ पर मैनेज कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ पर कॉन्स की बात करेंगे तो कॉन्स की वजह से नॉट ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस एज इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट फॉर होम यू विल बी वर्किंग। और मैं इस बिल्कुल पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो आपका वर्क कल्चर होता है, जो आपका मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो आपके केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट के ऊपर क्या डिपेंड करता है और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट क्या है, क्लाइंट कौन है, उसमें कैसी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा हैक्टिक काम है या फिर नहीं, तो उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से लोग यहाँ पर रिव्यूज़ डालते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि वर्क कल्चर में किसी ने 5 रेटिंग दी होगी, किसी ने 1 रेटिंग दी होगी, तो ऐसा क्यों होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, मुझे भी 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो मैं उस बेसिस पे भी आपको बता रहा हूँ कि यार इट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। खैर ठीक है, अपन यहाँ पर देख लेते हैं वेरिएबल पे कंसेप्ट इज एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल। तो वेरिएबल पे का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है, हो सकता है कि आपका यहाँ पर वेरिएबल पे 20% हो, 25% हो, 10% हो, और वेरिएबल पे आपको नहीं दिया जाता हो या फिर कम दिया जाता हो या फिर जो भी हो, उस हिसाब से यहाँ पर लोगों ने रिव्यूज़ यहाँ पर डाले हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपन आगे चलते हैं और यहाँ पर इंटरव्यू की बात करते हैं कि लोग यहाँ पर कैसे रिक्रूट होते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू भी यहाँ पर जाते हैं लोग, अप्लाई भी करते हैं ऑनलाइन, रिक्रूटर के थ्रू भी यहाँ पर जाते हैं। इंटरव्यू लेवल की बात करेंगे तो 2.9 है, एवरेज है। मतलब अगर देखो फ्रेंड्स, अगर 2.9 है तो इट्स एवरेज, अबव एवरेज है, मतलब एकदम डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन अबव एवरेज ही है आपका इंटरव्यू लेवल यहाँ पर, क्योंकि 2.5, 2.6 है, देन वी कैन से दैट इट्स इजी टू एवरेज। यहाँ पर 2.9 है तो आपको थोड़ा बहुत एवरेज से अबव आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आपको। और यहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करेंगे, एवरेज है इंटरव्यू, डिफिकल्टी लेवल मीडियम, लेकिन एवव मीडियम। मैं अपने रिव्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि एवव एवरेज आपका इंटरव्यू लेवल यहाँ पर हो सकता है डिफिकल्टी लेवल। और जो आपकी सारी प्रोसेस है कितनी देर में हो जाती है, अराउंड 1 वीक लगता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइनल राइड में अपन देखेंगे ओवरऑल कंसोलिडेटेड फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म कैटेगरीज वाइज कि क्या क्या रिव्यूज़ यहाँ पर बनते हैं, और इस स्लाइड से आप डिसाइड कर पाएंगे कि यार पर्टिकुलर कैटेगरी में कंपनी कैसी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में गुड है, अच्छी है वर्क लाइफ बैलेंस, आपको बता चुका हूँ। वर्क कल्चर भी अच्छा है, करियर ग्रोथ भी अच्छा है, जॉब सिक्योरिटी भी अच्छा है, मैनेजमेंट एंड पे एंड बेनिफिट्स, तो इन दो चीज़ों में अपने देखा था कि यार इंडीड पे, ग्लास डोर पर और एम्बिशन बॉक्स पर तीनों जगह यहाँ पर इश्यूज़ थे। तो उससे मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पर होंगे तभी यहाँ पर लोगों ने डाले हुए हैं कि पे एंड बेनिफिट्स तो ठीक है, सभी को इशू रहता ही है, उसको प्रोजेक्ट वाइज डिपेंड नहीं करता आपका पे एंड बेनिफिट्स जितना है, तो वो सबके लिए सेम ही रहेगा, मतलब जितने भी आप फायर हुए हो, राइट। तो पे एंड बेनिफिट्स का यहाँ पर इशू है, मैनेजमेंट का भी यहाँ पर इशू सामने आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, और आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।